वेलकम टू द आश्रमा शो। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कोरोना वायरस की 5 स्टेजेस की बात की थी और साथ ही ये भी बताया था कि इसके फैलने के पैटर्न को समझना जरूरी है, क्योंकि फ्रांस के पहले केस से 5वें हफ्ते तक केवल 57 ही मामले थे और फिर स्टेज 3 यानी कि 8वें हफ्ते तक आते आते ये आंकड़ा 6500 से ज्यादा हो गया। इसी तरह इटली में स्टेज 2 तक बस 650 केसेस ही थे, लेकिन फिर 8वें हफ्ते तक आते आते ये संख्या 28,000 से ज्यादा हो गई और अब 2200 के करीब मौतें हो चुकी हैं। भारत में सिचुएशन अभी कंट्रोल में है, 147 ही मामले आए हैं, पर 8वां हफ्ता आने वाला है। क्या भारत में भी कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगेगी? ऐसा क्या हो जाता है 8वां हफ्ता आते आते कि मामले एकदम से बढ़ जाते हैं, और दुनिया के डेवलप्ड और समृद्ध देश कोरोना से लड़ने के लिए कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो हम सोच भी नहीं सकते, उसका इस्तेमाल करते हुए कोरोना से लड़ रहे हैं, बताऊंगी इस वीडियो के एंड तक। एक रिक्वेस्ट, आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, आपको अच्छी भी लगती हैं, फिर आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? कर लीजिए ना प्लीज सब्सक्राइब। एकदम से इतने केसेस बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है कम्युनिटी स्प्रेड, जब संक्रमण एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे में फैलने लग जाता है। इसी को देखते हुए कई राज्यों में धारा 144 लगाई हुई है और पूरे देश में 50 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन और कई जगहों पे मेट्रो भी बंद करने पे सरकार विचार कर रही है। चलो बात करते हैं उन आधुनिक तरीकों की जिनका इस्तेमाल कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए दुनिया भर में किया गया था या फिर किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ देशों में हो रही ड्राइव थ्रू टेस्टिंग के बारे में। बहुत से देशों में लोग गाड़ी में बैठे बैठे रेस्टोरेंट्स या फिर शॉप्स की विंडो से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, उस विंडो से ही सामान दिया जाता है और वहां से ही पेमेंट होती है। इसको बोला जाता है ड्राइव थ्रू, यानी कि बिना गाड़ी से बाहर निकले शॉपिंग करना या कुछ सामान खरीदना। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस समय कुछ देशों में जैसे कि साउथ कोरिया और यूएसए में कोरोना वायरस की ड्राइव थ्रू टेस्टिंग की जा रही है। उसके लिए टेस्ट करवाने वाले शख्स को पहले अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और हाँ, वही लोग इस टेस्ट के लिए जा सकते हैं जिनको संदेह है कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित है या फिर कोरोना वायरस के लक्षण जैसे कि बुखार आना, सूखी खांसी आना, गले में दर्द या फिर सांस लेने में तकलीफ होना, ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं। इसका प्रोटोकॉल कुछ ऐसा है कि वहां पहुंचने पर पहले उस व्यक्ति की अपॉइंटमेंट कंफर्म होती है, जिसके लिए उसको अपना आईडी कार्ड दिखाना होता है और आईडी कार्ड उन्हें बंद शीशों के अंदर से ही शो करना होता है। अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद मेडिकल स्टाफ सभी एहतियात को बरतते हुए जैसे कि प्रोटेक्टिव मेडिकल गाउन, हेयर नेट, ग्लव्स और प्लास्टिक शील्डेड फेस मास्क से उस शख्स का टेस्ट करते हैं। यहाँ लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का स्वैब टेस्ट और ब्लड टेस्ट हो जाए बिना उनकी गाड़ी से बाहर निकले। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि अगर प्रोसेस में मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी लाने से कोरोना वायरस को काबू करने में सहायता मिलती है तो क्यों ना किया जाए। अब बात करते हैं कि क्या कोविड-19 की टेस्टिंग को प्राइवेटाइज करना फायदेमंद है। तेजी से फैल रहे इस वायरस से निपटने के लिए अमेरिका की सरकार ने एक और नया कदम उठाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करी कि प्राइवेट सेक्टर की लैब्स के साथ पार्टनरशिप करके कोरोना वायरस की टेस्टिंग की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है। इसके पीछे का लक्ष्य यही सुनिश्चित करना है कि जिन लोगों को टेस्ट की आवश्यकता है वे इस टेस्ट को जल्दी, सुरक्षित तरीके से और आसानी से करवा पाए। इस वायरस को कंट्रोल करने का सबसे अहम तरीका ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करना ही है। भारत में इस समय सिर्फ 52 सरकारी लैब्स में ही कोविड-19 के सैंपल्स को टेस्ट करने की अनुमति है, लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं और कम्युनिटी स्प्रेड का डर है, तो क्या सरकार को टेस्टिंग के लिए लैब्स का नंबर नहीं बढ़ाना चाहिए? क्योंकि जितने ज्यादा टेस्ट होंगे उतना ही जल्दी इस कोरोना को काबू कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, भारत सरकार को भी प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लेनी चाहिए? क्या इससे लोगों को सुविधा होगी और काम में तेजी आएगी? अपने विचार कमेंट करके जरूर शेयर करना। अब देखते हैं कि कैसे कोरोना को काबू किया जा रहा है मोबाइल ट्रैकिंग से। इजराइल लंबे समय से पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स को ट्रैक करने के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए जाना गया है। वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को रोकने के लिए इसी तरह की तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं। आपको बता दूं कि इजराइल देश इस समय लॉकडाउन में है, 10 से ज्यादा लोगों की पब्लिक गैदरिंग पे बैन है, सभी कैफेज और रेस्टोरेंट्स बंद हैं। इस प्लान में इस्तेमाल होगी मोबाइल फोन ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें पिछले 30 दिनों की प्रिसाइज हिस्ट्री मिल पाएगी,
कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की। इससे ये पता लग जाएगा कि टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आने से पहले वो व्यक्ति कहां कहां गया और किस किस से मिला, ताकि उन सभी लोगों को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सके और उनके टेस्ट किए जा सके, क्योंकि उनके भी संक्रमित होने की संभावना होगी। इस प्रोसेस को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहा जाता है। कोरोना वायरस की जंग को लड़ने के लिए ये एक बहुत ही अहम हथियार है। क्या ये भारत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या यहाँ इस तरह की टेक्नोलॉजी कामयाब हो पाएगी? आपको क्या लगता है? दोस्तों, आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। प्लीज सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट के बिना ये वीडियोस बनाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत हौसला देता है इस तरह का और भी अच्छा काम करने का। तो चलो, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।